Guys, welcome to the channel. Let's make some new code. So, आज इस problem के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है Russian doll envelopes. तो इस problem में क्या given है कि एक 2D array है, जिसके हर एक row में कुछ envelopes given है, और उन envelopes के parameters हैं, जैसे कि उसकी width और उसकी height. और साथ में ये भी बोला गया है कि हम किसी एक envelope के अंदर दूसरा envelope को रख सकते हैं, अगर जो हमारा first वाला envelope था, उसकी width और height दोनों strictly greater हैं, जिसको हम अंदर रखने वाले हैं उससे. ठीक है, तो हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितने envelopes रख सकते हैं एक के अंदर एक. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि हमें 5, 4 गिवन है, ठीक है, और दूसरा envelope हम ले लेते हैं 6 और 7. तो जैसे कि देख सकते हैं कि 6 और 7 ये विथ और हाइट है किसी एक पर्टिकुलर envelope की, और ये 5 और 4 किसी सेकंड envelope की हाइट है, हाइट और विथ है. तो ये इन दोनों से छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस छोटे वाले को 6 और 7 मतलब इसके अंदर रख सकते हैं. तो ये हमारा एक पॉसिबल हो गया. अभी ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी एक के अंदर एक रखने की, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने रख सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि सबकी सेम ही है. ठीक है, तो अगर सेम है तो मैंने बोला था कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, सेम नहीं हो सकते. अगर सेम होंगे तो हम नहीं रख सकते अंदर. तो देखो यहाँ पर तो सिंगल एनवेलप एक ही बचेगा, तो वो हमारा आंसर बन होके, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका पॉसिबल आउटकम देखें जो कि इसका आंसर हो सकता है, वो ये गिवन था हमें. ठीक है, अब अगर इस आंसर को हम क्लोजली देखें तो हमें ये दिखता है कि अगर हमें सबसे छोटा वाला एनवेलप मिल जाए, ठीक है, सबसे छोटा वाला एनवेलप मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि उससे आगे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बड़े एनवेलप्स हैं, ताकि मैं उसको उसमें रख पाऊं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे छोटा एनवेलप मैंने चूज किया जो कि 2 width का है. ठीक है, अभी मैंने देखा कि ओके ठीक है, अब इससे बड़ी विथ कौन सी है, 5. ओके ठीक है, तो मैं इसके अंदर इसको रख सकता हूँ, और उससे बड़ी विथ है 6, तो मैं इसके अंदर भी इसको रख सकता हूँ. ठीक है, और फिर हमें ये भी एश्योर करना है कि जो मेरा हाइट है वो भी पिछले वाले से ग्रेटर हो. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा पिछले वाले से ग्रेटर है. तो ये दो चीज अगर हम एश्योर कर दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो प्लेयर जो होंगे वो एक दूसरे के अंदर फिट हो रहे होंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो सारे इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम अगर इसको सॉर्ट कर दें, ठीक है, सॉर्ट कर दें अकॉर्डिंग टू विथ, तो हमारी विथ वाली जो चीज है वो तो मैश्योर कर देंगे. ठीक है, कि हाँ मेरी विथ जो है वो पुराने वाले से हमेशा बड़ी होगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू विथ. ठीक है, अब हमारा जो विथ वाला पार्ट था ना, कि हमारी विथ विथ वन जो है वो हमसे छोटी होनी चाहिए जो आगे आने वाले विथ है. क्यों, क्योंकि अगर छोटी होगी तो ही तो उसके अंदर हम उसको रख पाएंगे. ठीक है, अब बचा हमारा किसका, हाइट का. तो हम हाइट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो विथ तो हमारा हो गया, अब हाइट के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए कि इंक्रीजिंग चाहिए. साथ में हम ये भी एश्योर नहीं कर सकते कि अगर मैंने ये लिया है तो दूसरा वाला ये ही होगा या तीसरा वाला ये ही होगा. वो तो हो सकता है एक ये हो, फिर दूसरा कहीं यहाँ पे हो, तीसरा कहीं और हो, ऐसे करके हो सकता है. तो ये एक सब सीक्वेंस जैसा बन रहा है. ठीक है, कैसा बन रहा है, सब सीक्वेंस जैसा, जो कि क्या है, इंक्रीजिंग है. ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा जो है अपना हाइट इधर का जो होगा वो हमेशा लेस चाहिए जो आगे हाइट हमें मिलने वाला है उससे. ठीक है, और साथ ही साथ हमें मैक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्गेस्ट निकालनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस. ठीक है, तो अगर हमने ये निकाल लिया तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने हाइट को भी एश्योर कर दिया है कि हाँ वो भी इंक्रीजिंग होगी. ठीक है, बस अगर हमें लॉन्गेस्ट पता चल गई कौन सी सब सीक्वेंस है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो बॉयल्स डाउन हो जाती है कि हम किस तरह लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी एक और चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास, ठीक है, दो विथ सेम दी गिवन है, ठीक है, दो सेम विथ है, जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ये इस वाले की विथ और इस वाले की विथ जो थी वो सेम ही थी. ठीक है, तो अगर सेम आ गई तब हम किस तरीके से चूज करेंगे कि कौन सा हमें पहले रखना है सॉर्टिंग में, कौन सा बाद में रखना है. तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा बिगेस्ट हाइट है वो हम पहले रखें. ठीक है, वो ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो अगर हमारे पास ये दो थे केसेस, ठीक है, इसमें अगर इसको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आंसर तो हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 7 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है जिसकी लेंथ 2 है, पर ये तो गलत है. तो हम क्या करेंगे कि हमेशा इसको डिक्रीजिंग में रखेंगे. सॉरी, तो इसमें क्या होगा कि अभी जो हमारा एल्गोरिथम है वो एकदम सही काम कर रही होगी और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. अभी फाइनली हम देखते हैं कि हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कैसे निकालेंगे. तो देखो लॉन्गेस्ट इंक्रीज सबसीक्वेंस का एक और मेथड होता है जो कि n स्क्वायर टाइम देता है, पर इस केस में क्या है कि हमें जो इनपुट है वो 10^5 गिवन है. अगर हम इसमें n स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे तो हमारा TLE आ जाएगा. ठीक है, तो हम ये तो नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्टिमाइज तरीका है जो कि काम करता है n log n टाइम में. ठीक है, n log n टाइम में ही काम कर देता है. देखो कैसे करता है इसको, तो अगर हम इसका थॉट प्रोसेस, इसका बेसिक इंट्यूशन बताएं तो कैसे होता है कि मान लो कि हमें इस एरे में से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से. ठीक है, लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमने 1 उठाया. ठीक है, तो हमने कहा ठीक है 1 तो हमारा है ही सबसीक्वेंस, में इसको रख दिया यहाँ पे. ठीक है, फिर मैंने 7 क्या है 1 से बड़ा है, हमें क्या चाहिए इंक्रीजिंग, तो हमने कहा हाँ ठीक है सही है, तो मैंने 7 को भी रख दिया.
फिर मैंने देखा 8, तो 8 7 से बड़ा है, मैंने कहा ठीक है इंक्रीजिंग चाहिए, और तो मैंने 8 को भी अपने इसमें रख लिया। फिर आया 4, तो देखो 4 जो है वो हमारा 8 से तो छोटा है, तो हम इसको इसके आगे यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जस्ट बाद हम 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है 1 हमारा ऐसा नंबर जिसके बाद हम 4 रख सकते हैं, तो मैंने क्या किया एक नया वो बनाया लिस्ट और उसके आगे मैंने 4 रख दिया, ठीक है। अभी आया 5, तो 5 भी 8 से छोटा है, तो इसके आगे हम इसको नहीं रख सकते। तो मैंने कहा कौन सा नंबर ऐसा है इस साइड जो कि 5 से जस्ट छोटा है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है यहाँ पे 4 है जो कि जस्ट छोटा है और वो इधर है, तो मैंने वहां पे 5 रख दिया। मैंने बोला 6, तो 6 भी हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि अच्छा ठीक है इधर कौन सा नंबर ऐसा है जो कि जस्ट 6 से छोटा है, तो मैंने बोला ठीक है 5, तो 5 के आगे मैंने 6 रख दिया। अभी यहाँ पे आया -1, ठीक है। तो अब हमें 6 के आगे भी नहीं रख सकते हैं, 8 के आगे भी नहीं रख सकते हैं, तो मैंने बोला अभी कौन सा नंबर ऐसा है जिसके जस्ट बाद हम -1 रख सकते हैं। तो मैंने बोला ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया इसको एक नए से स्टार्ट किया। अभी फिर 9 आया, तो 9 को हम 8 के आगे भी रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया। 6 के भी आगे रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया, और 1 -1 के आगे भी रख सकते हैं, तो मैंने इसको रख दिया। तो ये मेरी पॉसिबल जो है सबसिक्वेंसेज बन गए, ठीक है। ये सारे सबसिक्वेंस हैं, ये लॉन्गेस्ट, अब इसमें से मुझे लॉन्गेस्ट निकालना है। तो ये अगर आप देखो तो ये हमारी लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस है, ठीक है। इसका आंसर क्या है 5। तो इस एरे में हमें जो लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस है ना उसका आंसर हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर हम इसको इस हिसाब से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, स्पेस चाहिए होगा। तो क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज। इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमें पता है कि हमें ये प्रिंट नहीं करवाना है कि हमारा कौन सा लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस कौन सा है, हमें ये प्रिंट नहीं करवाना, हमें बस इसका नंबर से मतलब है, ठीक है, कि कितने नंबर हैं। और वो नंबर हमें मिल जाएंगे, समझ लो हमारे उतने ही जो है मैक्सिमम डेवलप्स आ सकते हैं एक के अंदर एक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका नंबर जानना है तो हम थोड़ी सी एक टेक्निक, एक ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम उस ट्रिक की बात करें तो हमें सबसे पहले एक फंक्शन को जानना जरूरी है जो कि एचटीएल का एक लोअर बाउंड फंक्शन, ठीक है, लोअर बाउंड है ये। तो ये लोअर बाउंड फंक्शन क्या करता है? तो लोअर बाउंड फंक्शन का काम ये कि अगर हम इसको कोई नंबर एक्स देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि या तो अगर एक्स उस वेक्टर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको ही लाके दे देगा, पर अगर मान लो एक्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक्स से जस्ट ग्रेटर नंबर जो है, ठीक है, एक्स से जस्ट ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर एक्स से जो, उसको लाके तुम्हें दे देगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे काम कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे काम आएगा। तो मान लो कि मैंने सर्च किया 1, ठीक है, स्टार्ट किया 1 से, तो मैं बोला कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 1 से जस्ट ग्रेटर है और हमारे इस डीपी एरे में है। तो ये तो बोलेगा कि ना भाई ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। तो अगर ऐसा कोई नंबर उसको नहीं मिलता है तो ये रिटर्न करता है एंड, ठीक है। तो जैसे डीपी है तो ये डीपी डॉट एंड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं बोला चलो ठीक है, अगर मेरा डीपी डॉट एंड आ गया इसका मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो मैं जस्ट इसको सिर्फ इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आया 7 पे, तो मैंने बोला कौन सा ऐसा नंबर है जो कि जस्ट ग्रेटर देन है 7 से। तो मैंने बोला ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर 7 एंटर कर दिया। फिर मैं आया यहाँ से 8 पे, अब मैंने बोला ऐसा कौन सा नंबर जो कि जस्ट ग्रेटर है 8 से। मैंने बोला ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो वापस से मैं 8 इंसर्ट कर दिया। फिर मैं आया 4 पे, तो मैंने बोला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि जस्ट ग्रेटर है 4 से। तो अब ये क्या करेगा कि जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है 4 से, तो हम इसमें अगर देखें तो ये हमारा 7 जो है ये जस्ट ग्रेटर नंबर है, तो मैंने इसको काट के यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, डन। अभी मैं आया 5 पे, अभी 5 पे क्या होगा कि वापस से चेक करेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि जस्ट ग्रेटर है 5 से। उसने देखा ओ अच्छा 8 है, तो मैंने 8 को कट करके 5 लिख दिया, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी आप ये एल्गोरिथम देख लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब हमें 6 पे आ गया, ठीक है, सॉरी 6 पे आ गया मैं। तो ये क्या करेगा कि चेक करेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि जस्ट ग्रेटर है 6 से। तो ये चेक करेगा यहाँ पे तो कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये सिंपली 6 इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अभी आया -1 पे, तो ये बोला कौन सा ऐसा नंबर है जो कि जस्ट ग्रेटर है -1 से। तो उसने बोला 1 है, 1 है जो कि जस्ट ग्रेटर है -1 से। तो उसने बोला ठीक है और इसको उसको रिप्लेस कर दिया। अभी आया 9 पे, ठीक है, तो 9 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा ऐसा। तो इसमें देखा इसने ऐसा तो कोई नंबर इसको नहीं मिला, तो इसने सिर्फ और सिर्फ 9 इंसर्ट कर दिया इसमें। तो अभी आप देखो कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, कितनी है 5। तो ये जो 5 आया ना, यही हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस होगी, ठीक है, हमेशा यही मेरी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये मैंने ये रिप्लेस और ये सब क्यों करा, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि हम जब भी कोई सबसिक्वेंस बना रहे होते हैं, ठीक है, और हमें इंक्रीजिंग चाहिए साथ में लॉन्गेस्ट चाहिए, तो हम ये चीज पे फोकस करेंगे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ x1 x2 x3 x4 ऐसे कुछ नंबर मैंने मान लो सबसिक्वेंस में लिया, ठीक है, तो मैं ये फोकस करूंगा कि जो यहाँ पे ये नंबर्स है ना, ये एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, ठीक है, जिससे जितना भी कम हो सकते हैं ना उतने कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे आगे की जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग हो और लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। मान लो कि तुम्हें, मान लो कि तुमने यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे ले लिया 10, ठीक है, तो अब जो इसके आगे नंबर होगा ना, वो 10 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर मान लो यहाँ पे तुमने लिया होता 1 2 3, तो देखो अभी यहाँ पे ना तुम्हारे पास बहुत सारी रेंज है 10 और इसके बीच में जो नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है,
तो इससे क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हारी जो सीक्वेंस बनेगी वो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी कोई नंबर आता है तो मैं क्या करता हूँ कि चेक करता हूँ कि उससे कोई ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर नंबर हो ना, तो उससे उस नंबर को रिप्लेस कर दूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 7 था, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो गया, तो क्या हुआ कि उससे कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस बनाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो ये हमारा इसका इंट्यूशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें एन नंबर ट्रैवर्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और जो ये लोअर बाउंड है ना, ये लॉग एन टाइम लेता है, क्योंकि इंटरनल्स की वर्किंग होती है बाइनरी सर्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एन लॉग एन, ठीक है, और ये जो तुम्हारा साइज आएगा ना एट द एंड, मैक्सिमम एलसीएस का साइज, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सॉरी एलआईएस का साइज जो भी आएगा, तुम्हारी एसडीपी का साइज जो भी आएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सो कोड देख लेते हैं, कोड में क्या है। तो कोड में ऐसा है कि ये हमारा जो फंक्शन था ये हमें लीड कोड पे गिवन था, इसे हमें लिखना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो भी हमारा गिवन मैट्रिक्स थी, जो भी हमारी एनवेलप्स की, उसको पहले मैं एक वेक्टर ऑफ पेयर के अंदर ले लिया, ठीक है। क्यों पेयर के अंदर लिया? क्योंकि इसकी सॉर्टिंग ईजी हो जाएगी, क्योंकि हमें विद के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था, उसकी सॉर्टिंग ईजी हो करने के लिए हमने इसको पहले पेयर में ले लिया, ठीक है। अभी ये फॉलो क्या करेगा कि यहाँ से मैट्रिक्स से उठाएगा डेटा और इस v1 में पेयर के फॉर्म में इंसर्ट कर देगा। अब मैंने क्या किया, सॉर्ट फंक्शन कॉल किया। तो देखो ये हमारा जो सॉर्ट फंक्शन नॉर्मल वाला होता है वो नहीं है, इसमें हमने कॉम्परेटर फंक्शंस भी रखा हुआ है। तो चलो कॉम्परेटर फंक्शन समझाते हैं क्या होता है। ये क्या होता है कि अगर हमें अपने किसी भी सॉर्टिंग को अपने हिसाब से करवानी है, तब हमें इसको एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, और एज अ थर्ड पैरामीटर इन द सॉर्ट, जो हमारे स्ट्रिंग का सॉर्ट फंक्शन होता है उसमें पास होता है। तो ये कॉम्परेटर फंक्शन ये रहा। तो ये देखो हमेशा स्टेटिक होगा, ठीक है, और साथ में ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अब इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिनको ये कंपेयर करता है और बताता है कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा जो है बड़ा है। तो अगर मुझे सिर्फ नॉर्मल सॉर्टिंग करनी होती तो मैं क्या करता, सिर्फ इतना लिख देता। इसमें क्या होता कि जो हमारा फर्स्ट वाला है अगर वो लेस हो तो उसको पहले रखो, और बी वाला अगर लेस हो तो बी वाले को पहले रखो, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है सिर्फ। पर हमें क्या करना है कि अगर कहीं पे जो है सेम है, ठीक है, सेम है, अगर ये जैसे कि हमने वहां पे डिस्कस किया था 6 4 था और 6.4 था और 6.7 था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट वैल्यू है ना, ये अगर सेम है तो हमने क्या कहा था कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सॉर्ट करना चाहिए था हमें 6.7 और 6.4, ठीक है, ऐसे सॉर्ट करना चाहिए था। तो अगर नॉर्मल सॉर्टिंग करेगा तो ये 6 6 6 को तो सही सॉर्ट कर देगा, पर ये पता नहीं रैंडम ऑर्डर में हो सकता है कि हो सकता है 4 पहले आ जाए 7 बाद में आ जाए। तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए हमने क्या चेक किया कि अगर हमारा ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि जिसका लास्ट वाला एलिमेंट बड़ा है उसको पहले रखना, ठीक है, और जिसका छोटा है उसको बाद में रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉम्पेटर फंक्शन। तो अब हमारा ये सॉर्ट हो गया। अब मैंने क्या किया कि एक ये लॉन्गेस्ट डिग्री सबसीक्वेंस का फंक्शन बनाया जिसको मैंने कॉल कर दिया। तो ये लॉन्गेस्ट डिग्री सबसीक्वेंस क्या करेगा कि हमने एक डीपी एरे लिया जो कि मैंने वो क्वेश्चन में बताया था वहां पे, और हमने ना हर एक पेयर पे आइट्रेट करना शुरू किया, ठीक है, हर एक पेयर पे आइट्रेट करना शुरू किया, और हमने निकाला वैल्यू कि हमारी कौन सी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देखो आप हर एक पे आइट्रेट करे, तो 1 पे गए, फिर 7 पे गए, फिर 8 पे गए, फिर 4 पे गए, और हर एक जगह पे मैं देख रहा था कि इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि जस्ट ग्रेटर है, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे लोअर बाउंड फंक्शन से मैं यूज करके निकाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच में इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू है, इसके इक्वल वैल्यू ला के दे दो। अगर उसको नहीं मिलती तो वो डीपी डॉट एंड रिटर्न करेगा। तो अगर उसको नहीं मिली तो मैं डायरेक्ट उसको सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को पुश कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो 1 के केस में हमने वही किया था कि 1 के केस में हमें कुछ नहीं मिला था तो मैं डायरेक्ट उसको पुश कर दिया था, फिर 7 केस में कुछ नहीं मिला था तो उसको डायरेक्ट पुश कर दिया था। पर अगर कोई हमें वैल्यू से मिल रही है, ठीक है, जैसे कि 4 के केस में हमें मिली थी 7, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो 4 ये 7 रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे कि 7 की जो वैल्यू है उसको इस 4 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 की जो यहाँ पे वैल्यू थी उसको हमने 4 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल। अभी लास्ट में हमारे पास जो होगा वो उसका साइज होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे वही वो उसका साइज होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5 5 साइज का था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा फाइनली कोड हो गया है और इसको मैंने रन करा, तो रन भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने पहले से ही पेस्ट कर रखा है, ठीक है, ये सेम वही कोड है। हम इसको सबमिट करते हैं, तो ये फाइनली सबमिट हो चुका है और ठीक ठाक इसकी क्लाइंट कॉम्प्लेक्सिटी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।